इस दिल्ली की रौनक, यहाँ के सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं। कोई खड़ा नहीं होगा, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, ये सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। कोई अव्यवस्था नहीं फैलाएगा तिवारी जी, सिर्फ और सिर्फ आज अपनी जनता से, अपने नॉर्थ ईस्ट के लोग से मिलने आए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकदम पीछे जाएंगे, आज सिर्फ तिवारी जी अपनी जनता से मिलेंगे। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जनता और तिवारी जी के बीच में नहीं आएगी। हमारे भैया आज हमारे बीच में हैं, कार्यकर्ता लोग पूरा ध्यान दें, सभी गेस्ट हमारे पीछे आ जाएं, और जो चीफ गेस्ट हैं आज के वहां, हाँ सुनीता मैम ऐसे है, सुनीता मैम, सौरभ शुक्ला जी, अव्यवस्था ना फैले, इस पूरे मंच को इधर से खाली कर दीजिए, बिल्कुल कोई अव्यवस्था ना फैले, जो कथा का माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और हमारे बहुत कम समय मिलता है, हमेशा आपने देखा होगा तिवारी भैया आदमियों से घिरे हुए हैं, आप लोगों को देख भी नहीं पाते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े मत होइए, बैठिए बैठिए तुरंत। सौरभ शुक्ला जी आप आ जाइए, सौरभ शुक्ला जी, बिल्कुल अव्यवस्था ना हो, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, बिल्कुल कोई खड़ा ना हो, इस तरफ कोई खड़ा ना हो, इसका ध्यान दें। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें आपने अपने वोटों से चुना, अपने प्यार से चुना, और वो दिन दूर नहीं जब आपके द्वारा चुने गए मनोज तिवारी जी, हमारे मनोज तिवारी जी एक बहुत ही ऊंचे पद पर, अभी तो है ही लेकिन और ऊंचे पद पर जाएंगे, और आप लोगों को गर्व होगा कि आपके वोटों से वो गए हैं। आज हमने सभी जेंट्सों को एक तरफ किया हुआ है, हमने कहा हमारी माताओं से बात ही नहीं हो पाती, आपके आशीर्वाद से तो हम लोगों ने कथा करवाई है, तो थोड़ा सा हम चाहते पूजन हो जाए हमारे स्वामी जी, मतलब मनोज तिवारी जी स्वामी जी का स्वागत करें। स्वामी जी हमारे जमशेदपुर से आए हैं। स्वामी जी के बारे में एक बात बता दूं, 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, ना शादी की ना कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि माँ सरस्वती गले में आए, ज्ञान आए और आप लोगों में बांट सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज का कि उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की और स्वामी जी यहाँ आने के लिए राजी हुए। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं वो आके स्वामी जी का, हमारे देवता का पूजन करें। कोई अव्यवस्था ना फैले, जो लोग यहाँ पर हैं यही मंच पे जाएंगे, कोई अव्यवस्था ना फैले। स्वामी जी सर आइए, मंच पे कोई ना आए, अव्यवस्था कोई ना हो, जो यहाँ पे लोग हैं यही मंच पे जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठो आशीष, बैठो भैया, बैठो कार्यकर्ता लोग, बैठो भाई हमारे, बस ताकि जी आइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। एक भी हमारी माता बहने ये ना बोले कि हमने नहीं देखा, तिवारी जी यहां पर माता बहनों के लिए आए हैं, कोई खड़ा ना हो आगे। देखिए अतिथि देवो भव, तालियों के कितने कंजूस है करावल नगर वाले। श्रीमान मनोज तिवारी जी हैं, हमारे निगम पार्षद श्रीमान सतपाल जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट, अगर आप गूगल पे डालेंगे अमित शर्मा पोएट तो ये भैया हमारे मिलेंगे, अमित शर्मा जी।
जब इन्होंने सुना कि मनोज तिवारी भैया आ रहे हैं तो प्रेम वश खींचे चले आए। अमित शर्मा जी आप आइए, स्वामी जी का प्रसाद लीजिए। भारतीय जंप रोप फेडरेशन गेम की सीईओ श्रीमती सुनीता जोशी जी, हमारी मैडम किसी से कम है क्या, हमारे बीच में है और हम चाहते हैं कि स्वामी जी उनका स्वागत करें। देखिए जोरदार तालियां, अतिथि आए हैं आपके घर। दैनिक जागरण के लोनी के संपादक श्रीमान सौरभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अनुरोध करूंगा कि आप आए, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत सहयोग मिलता है इन्हें, मतलब हमें बहुत इनका सहयोग मिलता है। समाज सेवक श्रीमान धर्मेंद्र त्यागी जी हमारे बीच में हैं। हर महीने अपनी तनख्वाह मतलब अपने बिजनेस से 1-2 लाख रुपए समाज के कार्यों में लगाते हैं, कोई कारण नहीं पूछते। अब ऐसा अवसर है, मैं चाहूंगा थोड़ा स्वामी जी हमारे कुछ शब्द बोले मनोज जी के लिए और फिर मनोज भैया हमारे अपनी प्यारी जनता से कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। साधु 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 जी के विषय में क्या बोलूं? बैठ जाओ। जब घर में रहता था उस समय भी इनकी बहुत गानों को मैंने सुना और एक बार उस समय मैं पतंजलि योग में था, क्योंकि स्वामी रामदेव जी से भी परिचय है, तो एक बार वहाँ भी आपसे मिला था, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, वहाँ भी श्रद्धालय में आपका कार्यक्रम हुआ था, एक बार वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई थी। और आज हमारा भी सौभाग्य है और आप सबों का भी सौभाग्य है कि आपकी और हमारी कथा में अपने मनोज भैया जी, जिनके कार्यक्रम को कई बार मैं इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का देखता भी हूँ टीवी में, और आपका भी विशेष करके इंटरव्यू में देखता हूँ, आपकी शब्द शैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरा जन्म स्थान झारखंड और बिहार प्रांत ही है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। सरलता इनमें बहुत है, विनम्रता, सरलता, सहजता, और इनके विषय में जो भी चीजें कही जाएं, ये इनके लिए बहुत कम है। कल सच बताऊं तो मेरे घर वालों से कुछ विशेष बात नहीं होती है। कल रात्रि में मेरे पिताजी ने ऐसे ही किसी अनावश्यक ही उनका फोन आ गया बिना किसी काम के। जब मैंने उनको आपके विषय में बताया वो आ रहे हैं, तो सच बताऊं व्यासपीठ पे हूं, उन्होंने कहा कि सच में वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका इंटरव्यू मैं सुनता हूं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही हिंदी भाषा की, जो हिंदी भाषा की बात है, हिंदी तो बहुत लोग कहते हैं, अब मैं किसका किसका नाम लूं आप सब समझ रहे होंगे, हिंदी तो बहुत लोग कहते हैं लेकिन उन हिंदी को कैसे सजा करके कहा जाए, ये आप में बहुत अच्छी कला है और मेरे पास तो आपके लिए कहने के लिए शब्द की कमी है। गोवर्धन महाराज बनाते हैं हमारे बीच। मेरा भाई दीपक गौ सेवक है, सारी नौकरी छोड़ दी है, अगर कहीं पता लग जाए हल्का सा कि गाय बीमार है भाग के जाएगा, दौड़ के जाएगा, तो मुझे लगता है कि देवता तो उसमें बसे ही हुए हैं। वो मैं चाहता हूं कि वो एक शॉल से हमारे माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। दीपक गौ सेवक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच अमित जी ग्रेटर नोएडा से आए हैं, मैं चाहूंगा कि भीम जी आए स्टेज पर और हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं उनको क्या कहते हैं सम्मानित करें। भीम जी अमित जी आप इधर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं लोकेश को बुलाना चाहूंगा कि लोकेश जी आए और हमारे क्षेत्र के सम्माननीय निगम पार्षद श्रीमान सतपाल जी को श्रीमद् भागवत की पुस्तक भेंट करें, क्योंकि वाकई में एक बहुत धार्मिक इंसान है, हर साल भागवत का कार्यक्रम अपने स्कूल में कराते हैं। हमारी मुख्य अतिथि जितने भी हैं मैं चाहूंगा कि आप कृपया सामने आ जाएं और सीधा आप और जनता उसके बीच में कोई नहीं।
और आइए अपने श्री बाकी भारी का नाम का उच्चारण करते हुए हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत कंजूस है हमारे करावल नगर वाले, तालियां सुनाई पड़ रही है। कितने लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हमारे मनोज भैया सुनाए, तालियों की आवाज से पता लगेगा। अच्छा सब चाहते हैं, एक बार जोर से ताली बजा दीजिएगा थोड़ा। राधे राधे, मैं तो सुनने के लिए बैठा था। मैं तो सुनने आया था और सुनते सुनते सोच रहा था कि इतना इतना प्रेशर होता है, इतने लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। थोड़ा सही को कम कर देना। हाँ आ जाओ अरविंद नागर, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्र हमारे जिला अध्यक्ष हैं। बैठ जाओ, यही जमीन पे बैठो, वैसे भी जमीन पे ही रहता है। तो अब ये तो यहाँ पे आने के लिए मुझे किसी को धन्यवाद बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो इस श्रीमद् भागवत कथा को अपने श्रीमुख से कह रहे हैं स्वामी हमारे हंसानंद जी महाराज जी का मैं स्वागत करने आया हूं। समाज में सबको तरह तरह का प्रेशर है, किसी को अपने बच्चे को अच्छी जगह अच्छा हो जाए, उसका फ्यूचर अच्छा हो, इसका टेंशन है। किसी के घर परिवार में तनाव न हो, मालिक सब अच्छा रखे, इसका चिंतन है। किसी के घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, छोटे छोटे बच्चे अपने आंगन में आए, इसके लिए चिंतन है। और ये सारी चीजें पूरी कब होती हैं? जब ईश्वर की कृपा हो। ईश्वर की कृपा इससे बड़ी क्या हो सकती है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके कॉलोनी में हो रहा है, वो भी इतना खुश से मैं देख रहा हूँ, उछल रहा है। क्या नाम है इसका? अरे वाह, खुश रहो भैया। तो महाराज जी, ये तो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, मैं यहाँ से सांसद भी हूँ। मैं भले रहने वाला, आपने झारखंड का नाम लिया, वही बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश की धरती का मैं भी रहने वाला। मुझ मेरे गाने तो लोग बहुत सुने, मेरे सिनेमा भी लोग बहुत देखे, लेकिन जब सही मायने में पूरे देश में एक सम्मान मेरा फंसा हुआ था कि मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा सकता है कि नहीं, उसके लिए जब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरी भी प्रतिष्ठा फंसी थी कि करोड़ों लोग जिस मनोज तिवारी को चाहते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, ताली बजाते हैं, बुलाते हैं, उन लोगों उस मनोज तिवारी को जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना हुआ तो मेरी परीक्षा थी कि मुझे लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और न सिर्फ स्वीकार किया, ऐसा स्वीकार किया, इन्होंने भी स्वीकार किया और सारे देश ने स्वीकार कर लिया। तो मेरे लिए तो इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, में वो मुझे कुछ बोल भी देता है तो मैं उसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो भी आपसे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको कुछ देता है तो फिर आपको कुछ कहने का अधिकारी भी है, आपको डांटने का भी अधिकारी है। माँ डांटती है ना बच्चों को, तो माँ की डांट का क्यों नहीं बुरा मानते? इसलिए नहीं मानते कि माँ ने तो हमें जन्म दिया,
तो जन्म देने के बाद अगर वो कभी किसी बात के लिए डांट दिया तो क्या बुरा मानना है, वो नहीं होती तो तू होते ही नहीं। तो मेरी भी स्थिति यही है। गायक मनोज तिवारी, अभिनेता मनोज तिवारी वो अलग होगा, लेकिन सांसद मनोज तिवारी का जन्म तो आप ही लोगों ने दिया। तो जैसे ही मुझे मनीष जी एक दिन मुझे रात में मिले दूरदर्शन न्यूज के कैमरे के साथ, बोले भाई साहब मेरे पास आए करीब 1:30 बजे रात में, और मैं उसी समय कहीं क्षेत्र से गुजर घर में आया था। बोले कंबल बांटने चलना है, और मैं बहुत थका हुआ था महाराज। मैं सोचा ये है कौन आदमी, 1:30 बजे रात में खुद कह रहा है चलो कंबल बांटते हैं। ठंड से जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं, 3 लाख लोग सोए, उनके लिए सरकार पैसे भी देती है, रैन बसेरे बनाते हैं, लेकिन जो रैन बसेरे बनाते हैं वो पैसा ले लेके रखने लग रहे हैं, 50 रुपया दो तब तुमको रजाई देंगे, बिस्तरा देंगे, ये स्थिति हो रही है। अब जिसके पास 50 रुपया होता वो बेघर क्यों होता, वो सड़क पे क्यों होता। और महाराज जी मैं आज मतलब 20 इसलिए मैं मनीष जी की उस बात को याद रखता हूँ, मनीष जी और सुदर्शन चैन, हम रात में गए, हमने कहा यार ये पत्रकार है कि समाज सेवी है, तो मैं चल पड़ा, इनको भी पता नहीं विश्वास था कि नहीं मैं निकलूंगा, तो हम लोग गए और 2:30 बजे तक कंबल उम्बल बांट के आए। तो मैंने इनसे कहा था ये तो कोई ईश्वर की शपथ लेते हैं, हम खड़ा होके नहीं कहेंगे आओ लाइन लगाओ कंबल बांट रहे, ऐसे में तो लोग कंबल लेके बेच देते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं, जो सोया होगा, जो ठिठुर रहा होगा, जो कराह रहा होगा उसको कंबल उड़ाएंगे। वही किया हम लोग, ये कथा भी वैसे ही है। एक भागवत कथा के कथाकार इन स्वामी जी को मैं और जगह भी कथा कहते हुए देखा हूं, 2,000-3,000 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 800,000 लोग भी हैं, 500 लोग भी होंगे, तो भी उनकी कथा का एनर्जी ऊर्जा उतना ही है। ये तो वही बात हो गई ना कि जहां लोग नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको कोई कथा सुनाने आएगा, उनको भी कथा सुनाओ, उसी प्रकार से जो सोए हैं बेघर उनको जगाने के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए। तो मैं मनीष से बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा ये बोले कि मैं आपसे प्रभावित हूं, हमने कहा कोई बात नहीं चलो। तो आज इन्होंने कहा था कि कई लोग गए थे कि हमारे यहाँ भागवत कथा में आना है, और जैसे ही भागवत कथा में मैंने आके कहा, दिल्ली के 20 विधायक सस्पेंड हो गए, वो पैसा चोरी कर रहे थे जनता का, 20 सस्पेंड हो गए। ये बोल रहे त्यागी जी एक भागवत कथा और करा दो, 20 और सस्पेंड हो जाए। तो 20 सस्पेंड हो गए तो अब मैं कैसे जाऊं, मुझे मैं अभी मुंडका में था, गांव में घूम रहा था। मैंने भी महाराज जी व्रत ले लिया, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गाना गाता था, सिनेमा करता था, पैसा भी मिलता था और बहुत मिलता था। एक सिनेमा करते थे 18 दिन में तो 80 लाख रुपया मिलता था, मैं बोल सकता हूँ सबको दुनिया में। एक समय तक तो जीवन में था कुछ पैसा आ जाए, फिर एक दिन लगा कि ये पैसा करेंगे क्या, अगर ये जीवन किसी मनुष्य के काम नहीं आया तो फिर सारा पैसा बेकार है, कुछ नहीं होता पैसे का। तो मैं निकल गया हूँ और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। शोहरत छूटा दौलत छूटा, छूटा मान सम्मान,
अब तो बस इतनी इच्छा है कि मेरे कारण मुस्कराए कोई इंसान, मेरे कारण मुस्कराए कोई इंसान। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण सत्य है, ये अलख जगाते जाना है। अपनी संस्कृति सभ्यता में ही अपना भविष्य हरसाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो शंकर के डमरू से निकले विष्णु के क्षीर सागर से आए, शंकर के डमरू से निकले विष्णु के क्षीर सागर से आए। करावल नगर भी झूम के गाए, राधे राधे। देखो इतना बड़ा कवि बैठे, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। रावल नगर भी झूम के गाए, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंसान सेवा, इंसानों की सेवा सबसे बड़ी सेवा। इंसान सेवा सबसे बड़ी सेवा, इंसान सेवा सबसे बड़ी सेवा। मालिक देता है सब मेवा, मालिक देता है सब मेवा। गौ माता संग, गौ माता कितनी सुंदर। और देखिए गौ माता की प्रतिमा बड़ी है और कृष्ण भगवान की प्रतिमा छोटी है। इशारा है, इसका इशारा मैं समझता हूं कि जो हमें दूध पिलाता है, जो गौ माता का दूध अमृत है, उसके लिए तो भगवान भी छोटे हो जाते हैं। खुश रहो। गौ माता संग झूम के गाए, झूम के अपना जन्म बनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन बेटियों को ये लोग फोटो खिंचाने आए मेरे से। मेरी भी एक बेटी है। अच्छा फोटो खींचने थोड़ी देर बाद आ जा, अभी आ जा। क्यों थोड़ी देर बाद, अभी का भी हो जाए। हाँ अगर इनको नहीं बुलाता तो लोग कहते देखो मनोज भैया खाली बेटियों का ही ध्यान रखता है, बेटों का नहीं। आ जा, बेटों का भी ध्यान रखना है लेकिन बेटियों को भूलना नहीं है।
भैया ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये एक लाइन बोलना चाहते हैं और मेरे को बोले कि मैं बोल दूं आपके लिए। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, हमने आपको चुन लिया है अपना नेता इसीलिए तो कि अब सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना ये जो हमारे सतपाल जी हैं मेरे छोटे भाई जिसको आप लोगों ने पार्षद मैंने उसको टिकट दिया और आप लोगों ने उनको चुन लिया ये है सतपाल। इसके लिए जब मैं आया था यहाँ पे तो महाराज जी ये सतपाल मुझे पहले दिन मिले थे और अभी भी मैं जिस रास्ते से आया वो वजीराबाद का पुल थोड़ा ट्रैफिक था तो मेरी पहली मुलाकात में ये गाड़ी के आगे भागा जा रहे थे भागे जा और मैं देखा कि इसके पैरों से खून निकल रहा है। मैंने कहा देखो देखो सतपाल के पैर से तो किसी ने कहा सतपाल जी आपके पैर से तो इनका पैर थोड़ा पहले से कटा था और ये बिना चप्पल के भागे जा रहे हैं और इनके जैसे कितने लोग करावल नगर में। पहले तो मुझे लगा नरेंद्र मोदी जी मुझे कहां भेज दिए लेकिन जब मैं यहां पे आया महाराज जी तब मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जहां मुझे भेजा है इस पूरी दिल्ली में मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं इस क्षेत्र को सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है लेकिन अगर सही मायने में भावना से भरे अगर इंसान रहते हैं तो इस क्षेत्र में रहते हैं जो हर प्रकार से धर्म की बात हो जनसेवा की बात हो मानव सेवा की बात हो। तो आज ये मैंने ये बन गया इसको बना दिया और आज तो देखिए इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक भागवत और करा दीजिए एक भागवत में 20 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। आज यहाँ के 20 विधायक वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए मतलब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था। विधायक का भी वेतन दे रहे थे और अलग से भी एक विभाग से 6 लाख रुपया उनके ऊपर खर्चा हो रहा था तो किसी व्यक्ति ने इसको केस कर दिया। आज मैं आपके कथा में आ रहा था आने से पहले ही रास्ते में पता चला कि कोर्ट ने कहा कि ये तो चोरी हम नहीं होने देंगे जनता परेशान है और कोई अपना वेतन बढ़ा ले जनता के पैसे को दुरुपयोग करे तो एक भागवत तक तो 20 लोग सस्पेंड हो गए। इन्होंने कहा भाग मार्च में फिर भागवत होगी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। अच्छा मैं जिसको जिसको बता रहा हूं जनता को बड़ी खुशी हो तो मेरा ये मेरी ये प्रार्थना है आप सभी से सत्य का रास्ता बड़ा अच्छा होता है। माँ मेरी माँ नहीं रहती है दिल्ली मेरी माँ बनारस रहती है हमार माई बनारस रहे थे। आप लोगों को भोजपुरी आता है किसी को कितने लोगों को भोजपुरी समझ में आ जाती होगी अरे काफी लोगों तो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है वो तो भोजपुरी ही बोलती है माँ और मेरी माँ इस माँ के जैसी है माँ बैठी है तो मैंने कई बार अपनी माँ को बोला कि चलो मेरे साथ दिल्ली रहो तुम्हारा बेटा सांसद हो गया है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष हो गया है। लेकिन मेरी माँ गांव नहीं छोड़ती उसको गांव में अपने से भैंस गाय दोती है
अपने घर का गोबर खुद खुद ही पाटती है। अब मैं सांसद हो गया, मैं सांसद से पहले अभी तो सांसद में तो इससे पहले मैं जहां था वहां कितना पैसा में हमें मिलता था, लेकिन मेरी माँ आज भी गोबर जो गोईठा बनाना होता है तो माई खुद ही अपने से पाते हैं। उसको इस बात का कोई संकोच नहीं होता है कि मैं मनोज तिवारी की माँ हूं और मुझे गोबर पात नहीं, बड़े गर्व से। तो गांव के लोग ऐसे होते, आप लोग का भी गांव से ही रिश्ता होगा कहीं ना कहीं, कोई आज आया होगा कोई कल आया होगा। तो मेरी माँ मुझे बोलती है कि कोई बात नहीं, दिल्ली मैं नहीं हूँ, मेरी उम्र के जो भी माँ दिखेगी उसको अपनी माँ मान लेना। तो ऐसे मान करके चल रहा हूँ, मेरी कई माँ है दिल्ली में, इसलिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आने में विलंब भी हुआ। और आज मैंने जो जो हमारे जो अब 20 विधायक सस्पेंड हो जाएंगे तो मीडिया पूछेगी मनोज जी कहाँ हो, अध्यक्ष जी कहाँ हो, तो मैंने जितने मीडिया के लोग हैं सबको बोला जमुना पार आ जाओ। गलत बोल रहे हैं, भैया ने ये नहीं बोला कि जमुना पार आ जाओ, भैया ने कहा इस भागवत में आ जाओ। भागवत में आ जाओ, सारी मीडिया आकर के आपकी भागवत को यहाँ पे कवर करने आ रही है, ऐसे सांसद आपने इस क्षेत्र को दिए। तो हम सभी लोग एक लाइन अपने मन में जरूर गाएंगे, सबसे बड़ा है इंसान सेवा, ईश्वर देगा हमको मेवा। सबसे बड़ा है इंसान सेवा, ईश्वर देगा हमको मेवा। गौ चरण में दिल को लगाए हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें अपना बना बैठे जय हो, होगा हाथ उठाइए एक बार, हाथ उठाइए राधे। हमारे साथ आप भी गाइए, तुम्हें अपना देखा जाएगा, कि लो प्रभु से लगा बैठे जो होगा। देखा जाएगा कि लो प्रभु से लगा बैठे जो दे होगा। देखा जाए, ये म्यूजिशियन लोग बड़े अच्छे हैं। आप सभी लोग, मैं तो आपका सेवक हूँ। हम लोग को, हमको नरेंद्र मोदी जी हमको रोज यही सिखाते हैं हम सभी को, कि कोई कहता है आप राजनीति से, बोले नहीं हम समाज सेवा से हैं। और आप लोगों को अपनी वाणी को विराम देने से पहले भागवत कथा में हम गुरु जी के वाणी में चलेंगे आगे, आप सबको एक बात बता देना, हम लोगों ने जन औषधि केंद्र बनाया है जहां 500 की दवाई 25 रुपए में मिलती है। एक जन औषधि केंद्र बना है जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो जन औषधि केंद्र आपके यहाँ मैं दे रहा हूँ, इस वार्ड में 15 दिन के अंदर लगवा दूंगा। तालियों से स्वागत करेंगे आज मैं उसको, और उसकी जगह देख लो बहुत ही फायदेमंद है। मतलब अब सोचिए 500 रुपया की दवाई 25 रुपए, तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है। उसको मनीष जी थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि कथा और व्यथा दोनों को साथ लेके चलना है। कथा सुनेंगे व्यथा हरेंगे, कथा सुनेंगे और व्यथा हरेंगे। जो इंसानियत के लिए जरूरी है वो काम करेंगे। आप सभी लोगों को, जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं सबको, बेटियों को भी खूब खुश रहो तुम लोग,
एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, दोनों हाथ उठा के बोलिए हर हर महाराज जी। और ये अपने हाथों से भैया को गिफ्ट करेंगे। इसमें लिखा है यू कैन एंड यू विल। हमें पता है भैया आप कर सकते हो और उम्मीद है आप करोगे। आखिर हमने आपको भैया भेजा है ना, हमें पता है आप बहुत ऊपर जाओगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यू कैन एंड यू विल। आशीष शाह रोटी गाय को भैया को दे रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता। जितने भी लोग यहां पर हैं, पहली रोटी गाय को आशीष शाह शाह ज्वेलर से। तो आइए बिना समय गवाए हम आरती के। वो टीम है जो तीन लड़के यही सोते हैं सातों दिन, सोनू दीपक और दूसरे भी दीपक, भैया यही सोते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, राजू पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
अर्धक्यम समर्पयामि हरिः ओम मा।